हाँ जी बेटा, लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएशन। इफ वाई इज इक्वल टू दिस देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एंड ऑप्शंस गिवन टू अस आर 4x³ ओवर 1 माइनस एक्स पावर 4 माइनस 4x ओवर 1 माइनस एक्स पावर 4 और सी ऑप्शन दी हुई है दिस एंड डी ऑप्शन इज माइनस 4x³ ओवर 1 माइनस एक्स पावर 4। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, टोटली आप पे डिपेंड है। कई बच्चे लॉग एम ओवर एन को इसको ऐसे कर सकते हैं, ये देखिए। आफ्टर देन दे स्टार्ट टेकिंग डेरिवेटिव, उससे इजी हो जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो मेरे पास क्या होगा बेटा, 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2x। तो मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर एलसीएम में, ये हो गया तो माइनस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ये कैंसिल हो गया, माइनस 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके जी, नाउ व्हाट वी विल गेट हियर बेटा, सी हियर, ओपन द ब्रैकेट, माइनस 2x माइनस 2x³ माइनस 2x प्लस 2x³ ओवर बेटा ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट विल कैंसल, इट बिकम माइनस 4x ओवर 1 माइनस एक्स पावर 4। कौन सी ऑप्शन आएगी, बी वन। ओके रक्षित, हाँ जी, ऐसे ही मेरे पास प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। कैसे, मैं बता रही हूँ, जैसे अभी लक्षित ने मेरे से पूछा कि मैम वो कैसे हो सकता है, पॉसिबल है, तो उसमें क्या होगा बेटा, मान लीजिए आपको मेरे पास जो है वन टर्म दी है, जैसे देखिए, लेट अस सी, हाँ जी, देयर इज वन क्वेश्चन रिटन हियर, इफ y पावर x इज x पावर y, मेरे पास अगम एंड शरीन बेटा, दिस इज नॉट योर पीरियड, हाँ जी, y पावर x इज इक्वल टू x पावर y, तो फाइंड dy by dx, ये अभी मैंने सिंपल ही दिया। आपको चेक करना है कि ये वेरिएबल पावर वेरिएबल है, आंसर्स ही होंगे 2-3-4 ऑप्शन जो भी होती हैं, तो आप कैसे करोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करोगे तो x log y, y log x, हम दोनों तरफ एट ए टाइम ले सकते हैं, तो क्यों, वेरिएबल पावर वेरिएबल है, इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, लॉग लेके, ठीक है क्या, नहीं, जब भी वेरिएबल पावर वेरिएबल आए लॉग लेके करोगे, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फिर मेरे पास फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मेरे पास जो है यहां पर भी वाई डैश लगाना भूल गए हम, क्योंकि फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव 1/y वाई डैश विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे थे ना, तो यहां पर भी मेरे पास जो है देखिए दिस एज इट इज वाई का डेरिवेटिव वाई डैश, ये वाई डैश वाली टर्म्स इकट्ठी कर लो तभी डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा ना, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वाई डैश जब इकट्ठा किया एक्स बाय वाई माइनस लॉग एक्स और ये वाई बाय एक्स माइनस लॉग वाई, ये सारी टर्म नीचे आ जाएगी, एलसीएम ले लो, वाई डैश इज वाई बाय एक्स माइनस लॉग वाई, ये तो आपने देखना है वहां किस हद तक ऑप्शन में कैलकुलेशंस की हैं, उस हिसाब से आप करते जाओगे, ठीक है जी। और मैं बताती हूँ जहां पर प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बताने लगी हूँ, देखिए कैसे, इसीलिए आपके मैथ्स में हर क्वेश्चन को 1 नंबर का दिया है और 40, क्योंकि मैथ्स में कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, बाकी सब्जेक्ट्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर मोर, ठीक है ना। तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन है,
इफ वाई इज इक्वल टू ए ई पावर एम एक्स प्लस बी ई पावर एन एक्स. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. ना पहला जैसा दे दिया, मेरे पास जो है डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाय डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू जीरो. ठीक है जी. सेकंड मेरे पास दे दिया डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस एन डी वाई बाय डी एक्स प्लस एम एन y इक्वल टू जीरो. ऐसे ही थर्ड ऑप्शन डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस एन डी वाई बाय डी एक्स माइनस एम एन वाई इक्वल टू जीरो. फोर्थ ऑप्शन मेरे पास ऐसे ही कुछ दे. ऐसे क्वेश्चन दिए, हम ये करें कि इंस्टेड ऑफ पुटिंग द वैल्यूज, बहुत लंबा हो जाता है, चारों में पुट करके देखेंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है ना, तो बनाने की कोशिश करते हैं. बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एम ए ई पावर एम एक्स प्लस एन बी ई पावर एन एक्स. ओके, अगर नहीं बनता टेंशन मत लो, कोई बात नहीं. ओके, नाउ डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहां मैं कुछ पुट नहीं ना कर सकती. अब जब डी टू वाई बाय डी एक्स करूंगी तो मेरे पास एम स्क्वायर, ठीक है, ए ई पावर एम एक्स एम स्क्वायर बी ई पावर एन एक्स. आपसे नहीं बनता अगर आपको लगता है कि नॉट पॉसिबल फॉर मी, तो आप किसी एक में पुट करो, वहां देखो आपके पास क्या बचता है, तो वहां से भी हो जाते हैं एडजस्टमेंट. अगर आप नहीं, आपको लगता है कि मैं ये ऐसे नहीं बना पाता हूं, तो एक लेफ्ट हैंड साइड किसी की भी लेके चलो, क्योंकि नॉर्मली प्लस माइनस का ही डिफरेंस होता है बस. ठीक है, तो मैं आपको पुट करके, पहली वाली में पुट करके चलो मैं बताती हूँ. देखिए मेरे पास पहली वाली में पुट कीजिए, पुट इन द फर्स्ट, हाँ जी, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर ए ई पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई पावर एम एक्स माइनस, अब बेटा देखो एम प्लस एन, और यहां ये टर्म एम ए ई पावर एम एक्स प्लस एन बी ई पावर एन एक्स. एम एन इंटू वाई है ना, ये पुट करो पहले, ए ई एम एक्स प्लस एम एन बी ई एन एक्स. अब जब आप ये ओपन करोगे, पहले एम के साथ आएगा, देखो मैं यहां पर ही कर रही हूं, जब मैंने एम के साथ किया एम स्क्वायर, यहां पर किया मेरे पास माइनस जो है एम एन, फिर अगली बार किससे करना था, एन से करना था, तो मेरे पास क्या आएगा, प्लस एम एन ए ई पावर दिस, और यहां पर कितना आएगा माइनस एन स्क्वायर और बी ई पावर एन एक्स. यहां पर भी माइनस होगा, बाहर माइनस था. अब देखो ये सारी टर्म्स अब कैंसल होने की, क्लियर कट हो, कैसे एम स्क्वायर बने कैंसल, एन स्क्वायर बने मेरे पास, सॉरी नीचे वाली काट ली, एन स्क्वायर, हाँ जी एम एन ए वाली ये कट गई और ये कट गई, आंसर जीरो. ये तो बाय चांस सेटिस्फाई कर गए. मान लो आपका कोई नहीं कटता, मान लो ये टर्म रह जाती, तो आप देखते किसमें ये टर्म साइन चेंज वाला है,
तो वो उसमें पुट करके देख लेते, फटाफट हो जाना। समझ आ गई बेटा? अगर इजीली एडजस्टमेंट नहीं होती, लक्षित क्लियर हो गया बेटा कि कैसे क्वेश्चंस कैसे फॉर्म में आ सकते हैं डिफरेंशिएशन में से? लक्षित इज इट क्लियर? चलिए ठीक है, अब मैं कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के ही जो क्वेश्चंस हैं मेरे पास, लेट अस डू दैट क्वेश्चंस, ओके, फ्रॉम वन ऑफ द बुक, ताकि उसके बाद हम और कोई बुक भी खत्म कर सके, ठीक है? चलिए, मेरे पास तो है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। उसने कहा है इफ मेरे पास तो है फंक्शन, इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स दैट इज गिवन टू मी साइन एक्स बाय एक्स प्लस कॉस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो के इफ एक्स इक्वल टू जीरो इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो देन फाइंड के। उसने कहा कि के की वैल्यू निकाल बेटा, अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो क्या होता है मेरे पास? क्लियर कर, लिमिट x अप्रोचेस जीरो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है? एफ ऑफ जीरो के ना। इसमें लेफ्ट और राइट लिमिट कोई नहीं यूज होनी, क्यों नहीं होनी, है ही नहीं यहाँ कोई लेस देन ग्रेटर है। तो अब लिमिट पे मेरे पास ये वाला साइन x ओवर x प्लस कॉस x एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू क्या है? k। अब यहाँ जीरो को नहीं ना कर सकते, हमें सीधा फॉर्मूला आता है साइन थीटा बाय थीटा क्या होता है वन प्लस कॉस जीरो वन, तो के का आंसर क्या आ गया? टू बेटा, वन प्लस वन टू। ओके, पता चला मैंने लिमिट साइन थीटा बाय थीटा वन की वैल्यू यूज की। ओके, ये लिमिट्स में प्लस वन में हमने किया है साइन लिमिट थीटा अप्रोचेस जीरो साइन थीटा बाय थीटा क्या होता है वन, हाँ जी एक्स अप्रोचेस जीरो, ठीक है क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सेम टॉपिक। Let f of x 2x g of x x square by 2 plus 1 then which of the following can be discontinuous function? ये ध्यान से देखना, which of the following can be discontinuous function? कौन सा ऐसा फंक्शन है जो डिसकॉन्टिन्यू हो सकता है? हाँ जी, हम किसी भी दो फंक्शन को ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, वो कॉन्टिन्यूस रहता है, डिवाइड में भी कॉन्टिन्यूस रहता है, प्रोवाइडेड कि जो डिनोमिनेटर है ना वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए किसी भी वैल्यू। तो इसका मतलब यहाँ कोई कंडीशन नहीं दी तो 100% ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता। ओके क्लियर, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है मेरे पास बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक। हाँ जी, लेट अस डू एफ ऑफ एक्स x plus a ax square plus 1 x less than 1 x greater than equal to 1 then f of x is continuous at
x is equal to 1 for number first, a equal to 0, b a equal to 1, c for all a belonging to R, d none. क्या करते हैं कॉन्टिन्यूज के लिए, क्या करेंगे समय कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करते हैं? अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूज है तो कैसे लिखेंगे? हाँ जी, वेरी गुड. लिमिट एक्स अप्रोचेस वन एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल? एफ ऑफ वन के, है ना? तो मेरे पास जो है लिमिट में, क्योंकि यहां पर देखो ग्रेटर देन पे अलग है, लेस देन पे अलग है, तो डायरेक्ट लिमिट नहीं निकलती बेटा, हमेशा लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट. ओके, अब फंक्शंस की वैल्यू पुट करते हैं. राइट लिमिट मतलब वन से बड़ी, क्या आएगा यहां पर? ए एक्स स्क्वायर प्लस वन. लेफ्ट लिमिट मतलब वन से छोटी, एक्स प्लस ए. और एफ ऑफ वन लेना है तो मैं यहाँ वन पुट करूंगी तो ए प्लस वन. आगे कि नहीं? अब बेटा इसको सॉल्व कीजिए. आप वन पुट कर रहे हो ए प्लस वन, इधर वन पुट कर रहे हो वन प्लस ए, इधर भी ए प्लस वन. कोई भी एक ही वैल्यू हो जाए, सब पे ट्रू है कि नहीं है? यानी कौन सी ऑप्शन आएगी मेरे पास? सी ऑप्शन. फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए, कोई भी ले लो, आंसर ट्रू होगा ही होगा, बिकॉज दीज थ्रीज आर इक्वल. बात समझ आई बेटा? क्लियर रसिका, सृष्टि, अंशिका, क्लियर बेटा? चलूं आगे? चलिए चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास देखिए. अब ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. जो भी टॉपिक कर रहे हो उसके हर टाइप के क्वेश्चंस करो ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए. एफ ऑफ एक्स मेरे पास हो गए थ्री मॉड एक्स प्लस फोर टैन एक्स ओवर एक्स के एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो. F is continuous at x is equal to 0. Continuous दिया है, तो k की वैल्यू बताइए. B, no k. C, k 1. D, none option. तो क्या करें बेटा? K 7. उसने कहा है continuity at 1 है. Oh sorry, 0 है. सबसे बड़ी बात मॉड है, जब भी मॉड आता है हमें लेफ्ट और राइट लिमिट अलग अलग ही लेनी पड़ती है, आप डायरेक्टली नहीं ले सकते हो. तो दैट मींस मेरे पास यहां पर क्या हो जाएगा? देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो नेगेटिव, ओवर एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो पॉजिटिव. मेरे पास तो है अब जीरो नेगेटिव में सीधा ही मैं मॉड को माइनस एक्स ले रही, ठीक है? समय पता चला ना? जीरो पॉजिटिव पे मैं इसको और एफ ऑफ जीरो पे आंसर कितना आएगा? क्या है? अब मैं क्या करूं? इसको सेपरेट कर दूं, क्योंकि ये के प्रॉब्लम क्रिएट कर. अब कॉन्टिन्यूटी का काम खत्म हो गए. मैंने लिमिट में नीचे एक्स हो तो हम क्या करते हैं? इसको अलग अलग कर देते हैं. जब मैंने अलग अलग किया तो लिमिट एक्स अप्रोच जीरो नेगेटिव माइनस थ्री प्लस फोर टेन एक्स बाय एक्स हो गया. अब ये तो माइनस थ्री रहना है. यहां पर जैसे साइन का फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बाय थीटा वन होता है व्हेन थीटा अप्रोचेस जीरो, टेन का भी तो वन होता है. ये प्लस वन, ये वन है. अब इसकी बात करूं किस वाले की? सेकंड वाले की. ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड. इसको सॉल्व कर रही हूं, मतलब राइट हैंड साइड लिमिट ले रही हूं. थ्री प्लस फोर ये आया सेवन,
इधर के थर्ड पार्ट में तो बेटा के सेवन और वन ऐसे कभी नहीं हो सकते, ना के सेवन ना के वन, नो के आएगा, क्योंकि अगर एक फंक्शन को कॉन्टिन्यूस रहना है तो तीनों चीजें बराबर होंगी, एक में सेवन एक में वन नॉट पॉसिबल, दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग विद. इज इट क्लियर टू एवरीवन? बात समझ आ गई बेटा? चले तो ऐसे क्वेश्चन में नो के, यू आर नॉट एबल टू वैल्यूएट द के, बिकॉज ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं हो सकता. ओके ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा मेरे पास जो है. मेरे पास जो है एफ ऑफ एक्स एक्स टू पावर साइन एक्स माइनस वन ओवर वन डिवाइडेड कॉस एक्स फॉर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो. व्हाट चॉइस of f of 0 if any will make f a continuous जो है at 0. उसने कहा है कि f of 0 की क्या वैल्यू ले कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है. अब बेटा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब लिमिट सॉल्व करनी पड़ेगी, जो लिमिट की वैल्यू है वही एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आनी चाहिए तभी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है. यानी इस लिमिट को चेंज सॉल्व करो, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो, मेरे पास जो है एक्स टू साइन एक्स माइनस वन ओवर वन माइनस कॉस एक्स. अगर आपको एक फॉर्मूला याद हो लिमिट का, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो ए पावर एक्स माइनस वन ओवर एक्स, इसका आंसर क्या होता था? लॉग ए होता था ना, तो इसी को यूज करेंगे. ये देखो मुझे नीचे चाहिए एक्स, ये ए पावर एक्स है, एक्स की जगह क्या है साइन एक्स, आई नीड साइन एक्स. तो दैट मीन्स जरा ध्यान से देखना, मैंने नीचे साइन एक्स लगाया अपनी तरफ से, मैंने ऊपर भी साइन एक्स लगा दिया, ठीक है, ताकि इसका इतने का आंसर मेरे पास सीधा लॉग ए आ सके, ठीक है, यानी इतने को सॉल्व करूं तो मेरे पास यहां पर क्या हो गया लॉग टू. मेरे पास क्या बचा एक्स साइन एक्स ओवर वन माइनस कॉस एक्स इंटू लॉग टू, ठीक है, वन माइनस मेरे पास कॉस एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज टू साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल इंटू लॉग टू. इसको कर दू टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू, कर दिया. अब ये टू टू कैंसल, एक साइन से एक ये कैंसल, मेरे पास क्या बचा यहां पर, ये टेन बन गया. तो दैट मीन्स वॉट इज लेफ्ट, लिमिट एक्स अप्रोच जीरो लॉग टू ओवर टेन एक्स बाय टू, और ये था एक्स, ऊपर था ना, मैंने टू से डिवाइड टू से मल्टीप्लाई कर दिया, ये सारा भी वन हो गया, आंसर कितना आया टू लॉग टू. ओके बेटा क्लियर, होप इट इज क्लियर टू यू. ट्राई टू डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस बेटा, लिमिट में जहां पर अरेंजमेंट होना है एडजस्टमेंट, ठीक है बेटा. एंड आई हैव सेंड यू असाइनमेंट चैप्टर वाइज केस स्टडी, तो उसको अच्छी तरह कीजिए.